आज हम बना रहे हैं कोलकाता की बहुत मशहूर क्रैब कचौड़ी। 200 ग्राम मैदा ले लिए, 2 बड़े चम्मच सूजी जो मेरी कचौड़ी को एक क्रिस्पीपन देगा, 1 चम्मच नमक डाल दिया इसके अंदर मैंने, 1 छोटा चम्मच अजवाइन का, 20 ग्राम ऑयल और घी। इससे क्या होगा, हम अपनी कचौड़ी को मोमन देंगे, मोमन बोलते हैं, जिससे वो खस्ता बनती है। और पानी की हेल्प से मैं एक अच्छा उसका डो बना लेंगे, हम स्मूथ डो तैयार कर लेंगे पानी की मदद से। डो हमारा रेडी है, इसको हम रेस्ट देंगे लगभग आधे घंटे तक। तो आइए, क्लब कचौड़ी के अंदर एक पिट्टी जाती है उड़द दाल की, उसको बना लेते हैं। 150 ग्राम मैंने उड़द की दाल सोख कर ली थी, इसको हम डाल लेंगे ग्राइंडर के अंदर। 3 हरी मिर्च, लगभग 20 ग्राम अदरक, स्प्लैश ऑफ वाटर। तो ये दाल और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट हमारा तैयार है, इसको हम निकाल लेंगे। पैन में 20 ml तक देसी घी ऑयल डालेंगे। हम अपनी पिट्टी को पकाना है अब अच्छे से। पिंच ऑफ हींग डाल लेंगे दाल की फिलिंग अपनी। पिट्टी को हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका मॉइस्चर खत्म ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए एकदम। देख सकते हैं दाल का पूरा मॉइस्चर खत्म हो गया, पिट्टी हमारी सूख गई है, तैयार हो गई है। आइए हम अपनी तरी बना लेते हैं आलू की सब्जी। उसके लिए मैं लूँगा 100 ml ऑयल, 2 तेज़पत्ता तोड़ के, 1/2 चम्मच सौंफ का, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच होल कोरिएंडर सीड्स, 1 हरी मिर्च डालेंगे तोड़ के फ्लेवर के लिए, सौते करेंगे, 1/2 चम्मच हींग का, जिंजर गार्लिक हरी मिर्च का पेस्ट है, खाऊंगा पेस्ट को अपने, 2 बड़े टमाटर की प्यूरी डालेंगे इसके अंदर, अच्छा सा देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे मसाले की, 8 चम्मच हल्दी का कलर के लिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर का, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर 1 चम्मच, पिंच ऑफ गरम मसाला। अच्छे से मसाले को पकाएंगे टमाटर के साथ। मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है, मैंने 4 आलू को बॉयल कर लिया था, इसको अच्छे से हम मैश करके डाल देंगे इसके अंदर। हमें आलू को मसाले के साथ अच्छे से भूनना है, लगभग 2 कप इसमें पानी डालूंगा। ओहो, कलर देखिए आप कितना अच्छा येलो कलर आया है। 1 छोटा चम्मच काला नमक का, स्वाद अनुसार नमक चार देंगे और सब्जी को पकने देंगे। तो सब्जी में अच्छा बॉईल आ गया है, रोगन भी ऊपर आ गया। इस स्टेज पे डालेंगे 1 चम्मच हरा धनिया, इस तरह देंगे। हमारी सब्जी तैयार है आलू की। तो जी आधे को हमारा रेस्ट मिल गया है अच्छा। आइए हम पेड़े तोड़ लेते हैं, ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती और ज़्यादा छोटी भी नहीं होती। तो जी आटा मेरा डल चुका है साइड से पतला करके, हम अपने कचौड़े को अच्छे से भर लेते हैं फिलिंग से। फिलिंग ज़्यादा नहीं भरनी है, थोड़ी थोड़ी फिलिंग भरनी है हमें, और उसको ऐसे करके हमें कर लेना है अपने पेड़े को बंद। आइए अपनी कचौड़ी को हम बेल लेते हैं। कोलकाता की जो क्लब कचौड़ी होती है उसका साइज छोटा ही होता है, इस तरीके से हम अपनी कचौड़ी को बेल के तेल में डाल देंगे। हमने अपनी कचौड़ी को मीडियम से तेज आंच पे सेकना है। मीडियम आंच पे सेकेंगे तो अंदर तक पकेगी और एंड में कलर आएगा। कचौड़ी में अच्छा कलर हो गया है, देख सकते तेल बिल्कुल नहीं आया, एकदम ड्राई है। तो ऐसे करके मैं अपनी सारी कचौड़ियों को निकाल दूंगा। आलू की सब्जी और क्लब कचौड़ी तैयार है, आइए प्लेट करते हैं वॉनवी फूडी की स्टाइल में। तो जी आज हमने आपको बना के दिखाई है कलकत्ता की वेरी मशहूर क्लब कचौड़ी और आलू की सब्जी, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। हरा धनिया, आ गई आपकी कचौड़ी। कलकत्ता में 4 ही दी जाती है एक सर्विंग में। तो जी तैयार है कलकत्ता के मशहूर क्लब कचौड़ी आलू की सब्जी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।